संदेश देंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के नाम पे वोट दीजिए, सामाजिक काम पे, वो जीवन भर काम होगा। हम हारे जीतो मायने नहीं रखते। यही अपील करना चाहूंगा, मुझे बहुमत में लाए, बढ़िया से वोट दे के सब चीज जिताए। टोटल 365 दिन सदैव उतरूंगा। हाथ जोड़कर हम इसके आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि फिर एक बार हमको मुखिया बनाए, जो कि अपने बेटा की तरह हम अपने जनता के फिर एक सेवा कर सके। यही मेरा आग्रह है और यही निवेदन है। जीतने पंचायत की जनता से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार सेवा करने का मौका दें। मासूम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बेटी जामिया में पढ़ती है, कल हमारी बेटी ग्रेजुएट होती है, फिलोसफर होती है। मैं अपनी बेटी बोलूंगा तो बुर्का में जाकर क्यों, किसने इजाजत दिया? हमारा संविधान राइट ऑफ इक्वालिटी की बात कर रही है, यहाँ समानता की बात हो रही है। हार्दिक शुभकामना देते हैं, और जो कि हमारे इतना अपना कम कीमती समय देकर के मेरे साथ इतना हमको प्यार दिए, दुलार दिए, इसके लिए मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं जिसको लेकर इस बार काम होगा? कमी तो कुछ नहीं है, बहुत काम किया है, लेकिन 5 साल के बाद चुनाव होना एक सीमित तय है कानून के हिसाब से। उसके हिसाब से कोरोना काल रहा, उसमें थोड़ा सा जो काम बच गया है, कुछ रोड बाकी है, उसको हम पूरा करेंगे। नल जल मतलब जितना भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम धरातल पर उतारने का काम किया है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप देख लीजिएगा, इसमें हमको कोई शक नहीं है। एक बेटा की तरह सेवा किए हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, एक बार मुखिया रह चुके हैं, आप काम जो काम किया तो उसका जनता आपसे खुश है काम करने? बिल्कुल, जनता से पूछ लीजिए, अपने आप में हमको क्या कहना है, जनता खुश है, आप देख ही सकते हैं जनता का कितना प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है आपके सामने। आपके पीछे ये भीड़ लगा हुआ है जी, आप इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को सबसे पहले हाथ जोड़कर हम इसके आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि फिर एक बार हमको मुखिया बनाए, जो कि अपने बेटा की तरह हम अपने जनता के फिर एक सेवा कर सके। यही मेरा आग्रह है और यही निवेदन है। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा पंचायत में? जीतने के बाद सबसे पहला काम हमारे वार्ड नंबर 10 है, जिसमें नोनियार है, स्कूल से कनेक्ट रोड है, थोड़ा सा पूर्व में मुखिया जी के द्वारा कराया गया था PCC, जिसमें थोड़ा सा पानी वानी लगता है, उसको बनवाएंगे। और वार्ड नंबर 11 में एक बैठा जिलों का घर है, वहाँ से वार्ड नंबर 11 में जाता है, कुछ दलित बस्ती टाइप से लोग हैं, वहाँ पे रोड बनवाएंगे। और साइड में जितना भी रोड हुआ है उसके साइड में पेड़ लगवाएंगे। और पंचायत सरकार भवन जो हमारे यहाँ है उसको नव निर्माणित अभी है, उसको पूरा कराएंगे। और लास्ट में मौका फिर समय मिलता है तो एक अपने पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल का व्यवस्था कराएंगे। इस बार तो बहुत सारे प्रत्याशी भी हैं, आप अपनी चुनौती किससे मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते, हम अपना हमारा जनता का आशीर्वाद है रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है मुखिया जी जीतेंगे तो विकास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बहुत करेंगे। इस बार क्या जो विकास हुआ है उससे खुश हैं आप लोग? जी बहुत खुश हैं हम लोग, हम लोग पूरा संतुष्टि है इनसे, बहुत खुशी है। इस बार किस पद के लिए? हरदिया पंचायत से महिला सीट है, मेरी वाइफ पुष्पा देवी हरदिया पंचायत से नामांकन के मुखिया पद के लिए। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतरे हुए हैं? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पंचायत में, जो 10% काम हुए हैं हर जगह। वर्तमान मुख्य कार्य से कितना संतुष्ट है? कुछ नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम है समुदायक भवन बनवाना। जब आप जीत करके आएंगे पंचायत में, तब स्वास्थ्य के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? एकदम मेरा पहले से ही मैनिफेस्टो में मैं ऑलरेडी डाल के रखा हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र बनाना, सब चीज डाल के रखा हूँ। एम्बुलेंस सेवा 365 दिन मेरे हमारे यहाँ रहते हैं पंचायत के, जो भी है उनको 365 दिन एम्बुलेंस सेवा फ्री देना। शिक्षा में आपका क्या कदम रहेगा? शिक्षा में हमारे जितने प्राथमिक विद्यालय है सबको उसका देखभाल अच्छे से, शिक्षा को तंदुरुस्त किया जाएगा। इसका बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्या खासियत है? यहाँ हमारे में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा है कि 20 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ, 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ। इस बार उम्मीद है बहुत बहुत बहुत। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा, मुझे बहुमत में लाए, बढ़िया से वोट दे के सब चीज जिताए। टोटल 365 दिन सदैव उतरूंगा। ये कहाँ से आप नॉमिनेशन किए हैं, किस पद के लिए किए हैं? हेलो, मुखिया प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन किए हैं, ग्राम पंचायत राजू कहीं से। अच्छा, बताइए क्या क्या मुद्दे को लेकर आप इतने सारे जन समर्थन उतरा हुआ? देखिए,
सब मुखिया तो रोड गली नली सब कोई बनवाता ही है जी, जी। वो तो कोई भी जीतेगा तो बनवाएगा। हमारा मेन लक्ष्य है शिक्षा, शिक्षा ही आदमी को मतलब कोई भी बच्चा का मतलब जो भी है सब आगे जाएगा। मतलब हमारे गांव में बहुत मतलब पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा भी परिवार बहुत है, मतलब ये टोटल पंचायत ही पिछड़ा का है, उसमें जनरल मान जो ओबीसी का ज़्यादा आदमी लोग हैं और जनरल बहुत कम आदमी है। तो वर्तमान जो मुखिया हैं वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? ना, ना ना सरकारी स्कूल जो भी है उसमें मान लीजिए बेंच टेबल कुर्सी फैन ये सब हम लोग लगाएंगे। हम 26 को अगर जीत रहे हैं तो एक स्कूल को हम लोग गोद लेंगे और हम लोग खुद हम लोग समाज काम समाज का ही काम करते हैं। मतलब पूरा पंचायत में ही पूरा लोग जानते हैं, पूरा पब्लिक सब जनता को पता है। कहीं से इस बार बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्या खासियत है आपने? हमारा मतलब सामाजिक काम है बस। वो कोरोना काल में कोई भी मुखिया सामने नहीं आया था, अच्छा आग लग गया था सिसवा में, वो कहीं बिनटोली मतलब जो है वहाँ पे बहुत पिछड़ा टू का आदमी, पिछड़ा टू में जो आदमी आता है बीन जिलो, उन लोगों का आग लग गया था, कोई मुखिया वहाँ नहीं गया था। हम लोग अपने से मान लीजिए स्तर से 55-60 हज़ार रुपया लगाकर वहाँ पे मतलब जो हमसे हुआ हम लोग किए हैं, निजी फंड अपना पैसा ही है, कोई मान लो मुखिया तो है नहीं। पहली बार लड़े थे तो 900 वोट आया था, उसी के हिसाब से मान लीजिए हम लोग काम किए हैं। अच्छा, उनखई पंचायत के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देंगे कि शिक्षा स्वास्थ्य और काम के नाम पे वोट दीजिए, सामाजिक काम पे वो जीवन भर काम होगा। हम हारे जीतो मायने नहीं रखते। अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम। हमारा नाम मनोज कुशवाहा है और मेरे प्रत्याशी मेरी पत्नी है जिनका नाम रिंकू कुशवाहा है। चलिए, आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील कर दीजिए सिर्फ। वही जनता से अपील करूंगी, महिलाओं के लिए जो भी है वो सुख सुविधा मिले। और इनका मतलब ये जो हमारा प्लान है अभी कि हम लोग खुद अपना जमीन में वो एक स्कूल बनाएंगे जो प्ले स्कूल हो बच्चों लोगों के लिए, और 6 क्लास से फ्री होगा, मतलब गांव के क्राउड फंडिंग होगा, पूरा वार्ड का उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, पूरा घर का सब कोई घर का उसमें मेंबर रहेगा उस स्कूल में, और उस स्कूल के मतलब वो चलाया जाएगा जो कि 6 से लेकर 10 तक ट्यूशन फ्री रहेगा पूरा उखई पंचायत के लिए। और काम है हमारा कि मैडम मेरी मतलब सिलाई कढ़ाई मतलब बेड साड़ी बहुत अच्छी बनाती है, उसके लिए जो महिलाएं गरीब है उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और वही मतलब जो बनेगा उसको हम लोग सेल करेंगे ऑनलाइन, चाहे सिवान में रोजगार की भी व्यवस्था है। और मान लीजिए स्वास्थ्य तो अभी मतलब लचर तो व्यवस्था ही है, लेकिन हमारा प्रयास सबसे पहले शिक्षा है और स्वास्थ्य का मुद्दा यही है कि जो भी विकास है उसको विकास को आगे किया जाएगा, जो भी विकास आएगा उसको जमीन को उतारा जाएगा। वर्तमान मुखिया के कार्यों से कितना संतुष्ट है? तो गांव का जनता बताएगा। क्या क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से आपको उतरना पड़ा है फील्ड में? टोटल तो कमी है, अब तो ये गांव का लोग बताएगा, नाला भी नहीं है, चले जाइए रोड भी देख लीजिए बहुत सारा दिक्कत है, चौफाल पर से जो फील्ड के तरफ रास्ता जाता है उसमें काफी खराब है, उससे बहुत दिक्कत है। परे माता के तरफ चले जाइए, कहीं परे माता के तरफ पची पट्टी वाला रोड है, टोटल एकदम खराब है। अच्छा, इस बार आपके क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्या खासियत है? खासियत यही है कि हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इसी पे हम नामिनेशन कराए हैं और जनता ही मालिक है। अच्छा, ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे मुखिया तो जीत जाते हैं, पहले वादा करते हैं जीत जाते हैं, जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, लोगों को आपसे क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यही रहेगा कि जीतने के बाद से जितना आज कह रहे हैं उतना कल ही कहेंगे और जब तक रहेंगे उतना ही करेंगे। चलिए, अपील कर दीजिए जनता से, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता से? पंचायत की जनता से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार सेवा करने का मौका दें। मासूम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मासूम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मासूम अली उखई कौन बोलता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ? हमारे जो सेंट्रल में नेता आते हैं, हमारी सेंट्रल की सरकारें आती हैं, वो बोलती है महिला उत्पीड़न को रोका जाए। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो करंट स्टेट है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, उसका सोच है कि हमारे ट्राइबल एरिया में जो ग्रामीण एरिया है उस एरिया को लेडीज को हम आगे लेके आए, औरतों को हम आगे लेके आए। जब महिला आगे आएंगी तब हमारे समाज का उत्थान होगा, समाज का विकास होगा।
लेकिन ये 15 साल से जो सिटिंग है, जो मुखिया है, वो क्या विकास किए हैं, नहीं किए हैं? रोड का हालत देख लीजिए, नली गली का हालत देख लीजिए, इंदिरा आवास का हालत देख लीजिए, राशन का हालत देख लीजिए। हम नहीं जानते कि क्या उनके कंट्रोल में है नहीं है, लेकिन समाज में एक ये भावना धारणा बनी हुई है कि हमारे मुखिया जी हैं तो हमारे राशन का काम करा देंगे, हमारे मुखिया जी हैं तो हमारे आधार कार्ड का काम करा देंगे। हम नहीं जानते, वो जनता इतना एजुकेटेड नहीं है। जब ये लेडीज सीट रिजर्व किया, मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी है, हम एक विचारधारा के साथ आए हैं। हमारा एक विचारधारा है कि हम अपनी महिलाओं को आगे लेके आए। हमारा मुखिया जो सिटिंग मुखिया है या हमारा सिटिंग हमारा जो भी है अपना सरपंच है, तो अगर गांव में कोई बात होता है तो क्या करके हम महिलाओं को लेके आए? जब तक महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को आगे लेके आओ, क्यों लेके आने की बात करती है संविधान, क्यों लेके आने की बात करती है सरकारें?